कान शिकरे, जय हो जय हो, जय कान शिकरे, जय हो, जय कान शिकरे, जय हो जय जयकांत भाव, हो, जय जयकांत भाव। कान। डरा दिया सारा। इतनी रात को क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे इतनी रात को मतलब? उधर वो येड़ा सिंगम आपको मारने का प्लान बना रहा है, मालूम है आपको? तो आने दो साले को। अरे अरे अरे, क्या आने दो साले को? ऐसा नहीं होता है जयकांत भाव, शपथ लेने से पहले कुछ गड़बड़ हो गई ना तो संप्लब। देवा रे देवा, अरे न्यूज मीडिया पब्लिक सब लोग मिलके एक काम करते हैं, आप मेरे साथ में चलो, मैं आपको एक वेरी सेफ प्लेस पे लेके जाता हूँ, चलो आप मेरे साथ चलो, चलो सोचो मत, चलो आज चलो। अरे आप कहाँ जाना है? हम ए डीएसपी, तुझे सटक लिए काय? एक सिंगम के लिए इतने सारे पुलिस वाले? अरे जयकांत को मारने के लिए सिंगम आ रहा है, रजनीकांत नहीं ये। अरे डीजीपी साहब आप भी यहां? अतिथि देवो भव, क्या बात है क्या बात है, मिनिस्टर बनने से पहले ही इतना पावर? अरे डीएसपी, मेहमानों के चाय पानी का इंतजाम करो और आने दो साले को, बुला उस चगावत सिंगम को। बुलाता हूं सिंगम। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, तूने तो दोनों ही कर ली, इससे दोस्ती मुझसे दुश्मनी। तो साला डीएसपी तू इनके साथ? क्या करूं जयकांत, आदमी कितना भी दिन भर भटक ले शाम को अपने ही घर लौटता है, और फिर पुलिस वाला हूं, आखिर मैं पुलिस वालों का ही साथ दूंगा ना। तो बढ़ाओ भाई चारा बढ़ाओ, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तुम चाय चा घंटा घंटा मेरा कुछ बिगाड़ोगे तुम लोग, कल शपथ लेनी है मी मंत्री महोदय श्री श्री जयकांत चिकरे, और 1947 से लेकर 2011 तक राजनीति का इतिहास देख लो पढ़ लो, भारत देश में किसी नेता को आज तक सजा नहीं मिली। लेकिन वो आज तेरा कल से शुरू हो रहा है जयकांत, और आज की रात तो हमारे हाथ में है। मतलब क्या है तेरा? साफ है, तेरे को साफ करना पड़ेगा। लेकिन साहब इसके साथ जो करना है वो अभी इसी वक्त करना पड़ेगा। क्या करेगा तू? हाँ क्या कर लोगे तुम लोग? फडनेस। यस सर। इसको मार के सुसाइड डिक्लेयर कर देते हैं। क्या हलवा है, क्या हॉलिडे है, डिक्लेयर कर देंगे? ए डीजीपी, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे मारेंगे, समझाओ इनको डीजीपी समझाओ। कहा है डीजीपी? डीजीपी तो तुम लोगों के इलेक्शन ड्यूटी करते करते थक गया है बेचारा, बीपी हाई हो गया, डॉक्टर ने उसे नींद की गोली दी है और सुला दिया है, अब तो वो कल सुबह ही उठेगा। साले तुम सब लोग मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे गबस। सर कैसे करें? मैं तो कहता हूं ये तू क्या कर रहा है, अंदर रख, बात कर रहा हूं ना, ये ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, कॉकरोच मारने के वास्ते बेगा नहीं मिला तो पैरागोन भी चलता है। सर मैं तो कहता हूँ इसके हाथ की नसें काट देते। चल हट। लेकिन खुद का काटना और दूसरों के काटने में बहुत फर्क मालूम पड़ सकता है सर, हम इंक्वायरी में फंसेंगे। हाँ वही, सब लोग फंसोगे। सर बेस्ट है इसे पंखे से लटका देते हैं। पंखे से लटकेगा तो इसके भारी वजन से पंखा भी टूट जाएगा। सर रस्सी से गला घोट देते हैं, बोल देंगे पंखे से लटका था। नहीं सर, हम इसे पंखे से लटका कर मारेंगे तो वी मार्क आएगा, और गला दबा कर मारेंगे तो ओ मार्क, हम फंस सकते हैं सर। अरे वी ओ तुम चाय चाको, ये डीजीपी सुना, ये लोग क्या बोल रहे हैं? डीजीपी डीजीपी है ही कहां, हाई बीपी, वो तो मस्त सो रहा है। सर वो सामने की जो तीन माले वाली बिल्डिंग है ना उससे फेंक देते हैं। ये तुझे सटक लिया काय? सर
इसको तीसरे माले से फेंकेंगे तो सिर्फ हाथ पर टूटेंगे, जान से नहीं जाएगा। इसे कम से कम छठे माले से फेंकते हैं। तो तीन माले से दो बार फेंकते हैं, तीन तीन छह। ये क्या मजाक है, बकरा हूं, मार दो फेंक दो, बिरयानी बना के खा लो। जयकांत शिकरे हूँ, एक एक को गोली मार दूंगा। हाँ, सबसे अच्छा तरीका तो इसने बताया। अब बस सर, वो गाड़ी में चोरी वाली गन पड़ी है ना, उससे इसका भेजा उड़ा देते सर, फिर उस पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट के निशान, जयकांत भी खत्म और केस भी। तू मुझे मारेगा? मैं नहीं जयकांत, तेरा अहंकार तेरा ही को तुझे मारेगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, पूरे पुलिस फोर्स को लेके आ गया ये अकेले को मारने। ये हीरो नहीं है, विलन है, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। पहले भी गांव में पूरे गांव वालों को लेके आ गया और आज मेरा घर में पूरे पुलिस फोर्स को लेके आ गया। बेचारा सो रहा था, मैं सपने देख रहा था मैं।